हिसाब से अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि 1920 से 1950 के 30 वर्ष भारत में गांधी की प्रसिद्धि के वर्ष थे। नेहरू कई बार प्रधानमंत्री बने थे, इसलिए 1950 से 1970 के जो 20 वर्ष थे वो उनकी प्रसिद्धि के भी रहे हैं। लेकिन इतने से वर्षों के आधार पर अगर हम ये कहने लगे कि भारत गांधी नेहरू का देश है तो बड़ी विचित्र स्थिति होगी। अकेले अकबर ने ही 50 वर्ष भारत के एक बड़े भूभाग पर शासन किया था। जैसे नेहरू गांधी के काल में उनके विरोध में भी संगठन काम करते रहे, वैसे ही अकबर के काल में भी हिंदू विद्रोह करते रहे थे। 50 वर्षों के आधार पर भारत नेहरू गांधी का देश होगा तो फिर तो अकबर का भी देश होगा। सिर्फ अकबर का ही क्यों, फिर चंद्रगुप्त का, राजेंद्र चोल का, हर्षवर्धन का, कईयों का देश हो सकता है भारत? ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भारत विदेशियों की सोच वाले नेशन स्टेट का देश होता ही नहीं है। नक्शे पर खिंची किन्हीं लकीरों पर, भाषा पर, मजहब पर, शासन व्यवस्था जैसी वजहों से जो देश बने हैं उनको तो नेशन स्टेट की थ्योरी परिभाषित कर सकती है, लेकिन चीन, रूस या भारत जैसे देशों पर ये सिद्धांत काम नहीं आते। सिर्फ भारत के मंदिरों को देख लें तो दिल्ली के कालकाजी मंदिर का औरंगजेब के तोड़वाने के बाद जीर्णोद्धार जो था वो राजमाता अहिल्याबाई होलकर करवा रही थी। ऐसे ही गया के विष्णुपाद मंदिर का पुनर्निर्माण भी उन्होंने ही करवाया था। प्रशासनिक इकाई के हिसाब से ये इलाके मराठा साम्राज्य के हिस्से थे क्या? नहीं थे। अपने राज्य के बाहर कहीं और जाकर मंदिरों का जीर्णोद्धार कोई बिना व्यक्तिगत हित के क्यों कर रहा होगा? ऐसे ही मैसूर संतरत के क्षेत्र में पहुंच गए रंगनाथ स्वामी मंदिर का पुनः निर्माण करवाते हुए आपको विजयनगर साम्राज्य के सेनानायक नजर आ जाएंगे। सांस्कृतिक रूप से भारत कहां तक एक इकाई था ये स्पष्ट तो होता ही है, साथ ही ये भी समझ में आता है कि जहां इतिहास 5000 वर्षों जैसा लंबा हो वहां नेशन स्टेट वाला राष्ट्रवाद नहीं चल सकता। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ही वहां पर लागू हो सकता है। इस अंतर की वजह से भारत राम, कृष्ण और शिव का हो सकता है। समाजवादी लोहिया जब लेख लिखते हैं तो राम, कृष्ण और शिव लिखते हैं। 25-50 वर्षों का हजारों वर्षों के इतिहास में कोई मोल ही नहीं रह जाता, इसलिए छोटे मोटे राजाओं या राजनीतिज्ञों का देश इसे कह ही नहीं सकते। राजनीतिज्ञों से तुलना के बाद कुछ लोगों को लग सकता है कि अगर राजाओं का नहीं हो सकता तो फिर राम भी तो राजा ही थे, उनका कैसे हो गया? यहां फिर से आपको संस्कृति पर ध्यान देना होगा। दीपावली तो भारत की संस्कृति का हिस्सा है ना, भले ही डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे भाजपा नेता दीपावली पर पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लागू करने की बात शुरू करने के लिए जाने जाते हों, लेकिन भारत की संस्कृति से दीपावली, होली, ओणम, पोंगल, बिहू, दुर्गा पूजा जैसे त्योहार गायब करके तो सोचा नहीं जा सकता। इसी संस्कृति पर राम, कृष्ण या शिव जैसे तत्वों का जो प्रभाव है उसके कारण इस सांस्कृतिक राष्ट्र को राम, कृष्ण, शिव का कहा जा सकता है। सिर्फ शिव का प्रभाव देखना हो तो आम तौर पर वैरागी माने जाने वाले शिव भी खेले मसाने में होरी जैसे होली के गीतों में दिख जाते हैं। मिथिला मगन भई आज सिया को जन्म भयो, ऐसे बच्चियों के जन्म पर गाए जाने वाले जो गीत है वो आज भी बनते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया में बच्चों को सुनाए जाने वाले गीतों में भी वही होते हैं। प्रेमी प्रेमिकाओं के प्रसंग में राधा कैसे न जले का गीत हाल की फिल्मों में दिखाई देता है। विवाह के समय चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया वाले गीत में दूल्हे की प्रशंसा हो या शिव की बारात से तुलना करके बारातियों को छेड़ना हो, इनका सांस्कृतिक प्रभाव बना रहता है। जिन्होंने कभी नाम भी न लिया सुना हो उनकी अंतिम यात्रा में भी राम नाम सत्य है सुनाई दे जाता है। खुशी का मौका हो, दुख का अवसर हो या सामान्य दिन हो, संस्कृति के प्रवाह में शामिल राम, कृष्ण और शिव भारत के साथ ही चल रहे होते हैं। इनके बिना क्या होगा ऐसी कल्पना करनी हो तो ऐसे सोचिए कि जो शेखुलर धूर्त आज जिल्ले इलाही जिंदा पीर को आम भारतीय के लिए स्वीकार्य बनाने के लिए झूठी कथाएं गढ़ते हैं, उन्हें भी यही झूठ दोहराना पड़ता है कि औरंगजेब ने तो फला मंदिर बनवाया था। कुछ समय पहले संजीव सान्याल की एक
एक्स पर आई थ्रेड से पता चला था कि एक अध्ययन में मौसम वैज्ञानिकों को पता चला कि कई हजार साल पहले मौसम में अचानक से भारी बदलाव हुए थे। मानसून की हवाएं जो दो बार बहती हैं, एक बार आती हुई और एक बार जाती हुई, उनमें जो भारी बदलाव हुए उनकी वजह से भारत के क्षेत्र पर गंभीर असर भी हुए। भारत के त्योहारों का मौसम जो सीधा कृषि पर आधारित है, अप्रैल में और नवंबर में आपको उनका होना दिखेगा, उन पर भी इसका असर हुआ होगा क्या? पहली बार जब बदलाव हुए तो हड़प्पा की बरसात पर आधारित कृषि बदली। उनके लिए अप्रैल मई के आसपास के फसल से आने वाली पैदावार बेहतर होने लगी। जब दोबारा बदलाव हुए तो जाड़ों में यानी अक्टूबर नवंबर की कटाई से आने वाली जो फसलें थी वो बेहतर होने लगी। भारतीय परंपराओं के हिसाब से देखेंगे तो पुराने जमाने में देखेंगे तो वसंत ग्रीष्म काल के जो त्योहार थे वो ज्यादा महत्वपूर्ण होते थे। दुर्गा पूजा के जो चार नवरात्र होते हैं उनमें वसंत वाला ज्यादा महत्वपूर्ण होता था और इसे ही मनाया जाता था। शारदीय नवरात्रों की परंपरा अभी भी अकाल बोधन कहलाती है। तिथियों का बदलना हो या बदला जाना हो, ऐसी कोई विकट घटना नहीं होती जो कि संभव ही ना हो। दूसरे छोटे मोटे पंथों के मुकाबले भारत और सनातन धर्म का इतिहास कहीं अधिक लंबा रहा है। यहां यह भी सोचना महत्वपूर्ण हो जाता है कि सांस्कृतिक धार्मिक तौर पर गुलाम बना लिए गए देश कभी भी वापस अपने पुरानी सांस्कृतिक जड़ों की ओर लौट नहीं पाए। भारत में और यहाँ के हिंदू संभवतः वो एकमात्र सभ्यता है जो हमलावरों से छूटी ही नहीं, वो अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने में भी कामयाब हुई। वसंत में आने वाली जो नवरात्रि होती है उससे भारतीय संस्कृति का जुड़ाव आप बच्चों को कलम पकड़ाने की परंपरा में देख सकते हैं। थोड़ा पहले तक स्लेट और खड़िया से बच्चों की पढ़ाई करवाना इसी तिथि को शुरू करवाया जाता था। इस समय जो दुर्गा पूजा होती थी उसका कम महत्वपूर्ण हो जाना और शारदीय नवरात्र का अधिक महत्वपूर्ण हो जाना केवल इसलिए होता है क्योंकि ये माना जाता है कि श्री राम ने शारदीय नवरात्र के समय देवी की पूजा की थी। ग्रंथों के हिसाब से देखें तो राम की शक्ति पूजा बांग्ला में लिखे गए कृतवास रामायण से आती है। हिंदी में तो राम की शक्ति पूजा एक प्रसिद्ध और बहुत ही क्लिष्ट कविता ही है। इससे ये भी समझ में आता है कि राम को जनमानस में लोकप्रिय देवता बनाने का श्रेय एक अकेले तुलसीदास जी को दे देना भी ठीक नहीं होगा, जिस काल में उन्होंने अवधी जैसी भाषाओं में रामचरितमानस के अधिकांश हिस्से लिखे, बहुत छोटा सा हिस्सा उन्होंने संस्कृत में भी लिखा है। उसी काल में दूसरी भाषाओं में भी रामकथा लिखी जा रही थी। रामकथा अगर इतनी कम प्रचलित होती तो कालिदास को रघुवंश नाम का महाकाव्य लिखने की सूझती ही नहीं। ये कितना प्रसिद्ध ग्रंथ था उसका केवल अनुमान लगाना हो तो ये देख लीजिए कि वाल्मीकि रामायण के तीन पार्ट अलग अलग क्षेत्रों और अलग अलग संप्रदायों के हिसाब से अभी भी होते हैं। पहला है दाक्षिणात्य पाठ, दूसरा गौड़ीय पाठ और तीसरा पश्चिमोत्तरीय पाठ यानी कि काश्मीरी संस्करण। वाल्मीकि रामायण की टीकाएं भी कम नहीं है। कई पांडुलिपियां इतने वर्षों में खो गई होंगी, चुरा ली गई होंगी, मगर फिर भी 30 टीकाएं मिल जाती हैं। हिंदी में कम से कम 11, मराठी में 8, बांग्ला में 25, तमिल में 12, तेलुगु में 12 और उड़िया में कम से कम 6 रामायणें मिलती हैं। एक रामकथा तो जाने माने उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने भी लिखी है। यानी कि केवल धर्म के चरित्र की ही नहीं, एक सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में भारत क्या है इसकी समझ भी रामायण जैसे ग्रंथों को स्वयं पढ़े बिना नहीं हो सकती। राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण कांड में ऐसा सुनने में आता है कि रामचरितमानस की प्रतियां आउट ऑफ स्टॉक हुई जा रही हैं। बाकी इस अवसर का लाभ आपने उठाया या नहीं, स्वयं रामायण रामचरितमानस बांटी या नहीं, पढ़ने का प्रयास किया या नहीं, ये सब तो आपके व्यक्तिगत निर्णय होंगे, आप स्वयं तय कीजिए। जय श्री राम।